सुबह सुबह ही इस तरह का एक सेहरन भली तस्वीर आपको देखने को मिली है पूरे राज्य को। और अभी जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट लाइव के कार्यालय की है, स्टूडियो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह सुबह भूकंप के झटके की वजह से यहाँ भी नुकसान हुआ है, कार्यालय में भी नुकसान हुआ है, यहाँ तक कि सुबह बुलेटिन के प्रसारण में भी बाधा आई इस भूकंप के चलते। जोरदार जो भूकंप सुबह सुबह आया, काफ़ी अफरा तफरी का माहौल देखा गया। और तस्वीरें हम आपको कार्यालय की दिखा रहे हैं, स्टूडियो में भी नुकसान हुआ है। स्टूडियो की तस्वीरें हैं, नॉर्थ ईस्ट लाइव के स्टूडियो की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आज सुबह सुबह की ये रिकॉर्डिंग भी है, किस तरह से आप देख सकते हैं भूकंप के झटके से डहल उठा था और जो सामग्रियां है वहाँ पे उपकरण जो है वो गिरते हुए नजर आए। काफ़ी तेज़ भूकंप का ये झटका था। कार्यालय की अलग अलग जो स्थल है, जो कर्म स्थल है, वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह का एक नुकसान हुआ है कार्यालय में भी। और एक अफरा तफरी का माहौल देखा गया आज सुबह सुबह करीब 7:52 पर, जब जोरदार झटके से पूरा असम दहल उठा। तस्वीरें कार्यालय की भी हम आपको दिखा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट लाइव के कार्यालय की तस्वीरों में देख सकते हैं आप जो कंप्यूटर सिस्टम्स है और अन्य सामग्रियां है उसको भी नुकसान पहुंचा है। स्टूडियो की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं अपने बाई ओर, किस तरह से भूकंप के दौरान पूरी धरती हिलती हुई नजर आई। काफ़ी ज़ोरदार भूकंप है। बताया जा रहा है कि सोनितपुर के ठेकिया जिले में इसका एपी सेंटर था और भूस्तर से 10 किलोमीटर नीचे ही इसकी उत्पत्ति थी। हालांकि 10 किलोमीटर नीचे जो ज़्यादा नीचे गहरा नहीं था, इसके चलते भारी नुकसान होने का आकलन लगाया गया है। जगह जगह से रिपोर्ट्स आ रही है, नुकसान की खबरें आ रही हैं, विजुअल्स आ रहे हैं, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कहां कहां से क्या क्या और कितना नुकसान पहुंचा है।